इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वाराणसी में ढाबे में खाना खा रहे एक बुजुर्ग शख्स को भी अचानक हार्ट अटैक आया। आनंद फानन में उनको अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। बैठे बैठे आया हार्ट अटैक, महज 4 सेकंड में गई जान। वाराणसी के सर्किट हाउस के सामने एक ढाबा है, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग राकेश अवस्थी खाना खाने पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद है। ढाबे का जो वीडियो सामने आया है, उसमें 4 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 लोग कुर्सी पर बैठे हैं, 2 लोग खड़े हुए हैं। यहीं पर 2 शख्स आपस में बात भी कर रहे हैं। उन्हीं की अगली सीट पर राकेश अवस्थी खाना खा रहे थे, लेकिन तभी वो अचानक से जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद वहां पर मौजूद लोग उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे। सोमवार की शाम की ये घटना है। कहा जा रहा है कि राकेश अपने दोपहिया वाहन के साथ ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने ढाबे के बाहर अपने गाड़ी को खड़ा कर दिया और खाना ऑर्डर किया। हाथ धोकर कुर्सी पर बैठे, इसके बाद टेबल पर खाना भी आ गया और राकेश अवस्थी ने खाना खाना शुरू भी कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगी। खाना खाना छोड़ दिया राकेश अवस्थी ने, इसके बाद तो वो कुर्सी से अचानक नीचे गिर गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ढाबे में मौजूद लोगों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ढाबे के मालिक ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस बिना देरी के मौके पर पहुंची। राकेश अवस्थी के घर वालों को इसकी सूचना दी गई। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने राकेश अवस्थी को मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि राकेश अवस्थी बिजली से जुड़ा काम करते थे। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग चांदमारी के वीडीए कॉलोनी के एक फ्लैट में रहते थे। उनकी अचानक से मौत होने से उनके परिवार में कोहराम मचा है। हार्ट अटैक के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिम में, डांस के दौरान, चलते बैठते, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो परेशान करने वाले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लाइफस्टाइल ठीक रखने से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।